दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप कैसे नवरात्रि के ऊपर बैनर बनाएंगे अपने नाम फोटो के साथ। आप छात्र, नेता, नौजवान हैं, जैसे कि नवरात्रि के दसों दिन का अलग अलग लोग बैनर बनाते हैं, माता के अलग अलग दसों रूप होता है उसका अलग अलग बैनर बनाते हैं। एक आसान तरीका आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इस आसान तरीके के माध्यम से ना जैसा चाहे वैसा डिजाइन बना सकते हैं। कई एक सारे एप्लीकेशन को मैंने बताया था जहां पे आप जाके एक क्लिक में अपने नाम फोटो के साथ बैनर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वहां पे एक लिमिट डिजाइन है, जो डिजाइन उन्होंने बना के दे दिया है वही आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बताएंगे ना, जैसा आप सोचेंगे ना कि काश ऐसा डिजाइन यहाँ पे कुछ ऐसा लगा दे, वैसा लगा दे, दिस टाइप, वैसा डिजाइन आप बना सकते हैं मिनटों में। चलिए फिलहाल यहाँ पे आपका हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और उस टॉपिक पे हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम को ओपन करके यहाँ पे सर्च करना दुर्गा पूजा 10 डेज नेम, 10 दिन का आप नाम जान जाएंगे। सबसे पहले हम शैलपुत्री, ब्रह्मपुत्री, ये सब नाम आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट टैब ले लेंगे एक और, इसमें आप जैसे शैलपुत्री सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने सर्च किया और इमेज सेक्शन में आ जाएंगे, कई एक फोटो आ जाएगा, इसमें से मन चाहे फोटो को पहले आप डाउनलोड कर लेंगे। डिजाइनर कुछ ऐसा करते हैं एक्स्ट्रा चीज, एक एप्लीकेशन से नहीं कहीं कहीं से लेके बनाते हैं। ये एक तरीका बता रहे हैं, यहाँ पे हम इस फोटो को जैसे डाउनलोड कर लिए शैलपुत्री के नाम से, फिर डाउनलोड होने के बाद में उसी टैब पे जाएंगे, आपके क्रोम में एक ऑप्शन रहता है, उस टैब पे आ गए और उसी पेज को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ब्रह्मचारिणी है, सेकेंड डे वाले माता को बोलते हैं ये नाम, केवल क्योंकि सबको नाम नहीं पता होता है। अगर नाम पता है तो आप बाय डिफॉल्ट गूगल में सर्च करके ये माता का डे बाय डे करके आप इमेज डाउनलोड कर लेंगे अलग अलग रूपों का। सारे इमेज को हम डाउनलोड कर लिए, उस पर क्लिक किए रहेंगे ना इमेज पे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, गूगल में जाके इमेज ऐसे आएगा उस पर बड़ा कर लेंगे क्लिक। अब कैनवा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे दोस्तों, उसके बाद में कैनवा में भी सर्च का ऑप्शन ऊपर रहता है, उस पर सर्च कर लेंगे दुर्गा पूजा। ज़्यादा आपको क्रिटिकल नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे दुर्गा पूजा का कई एक टेम्पलेट आ जाएगा, आप केवल साइज देख लेंगे, डिजाइन देख लेंगे, जो पसंद आएगा उसको क्लिक कर लेंगे और वो सारे एडिटेबल होते हैं, उसका हर एक डिजाइन को हेर फेर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, नया चीज ऐड कर सकते हैं इधर से उधर। जैसे माता दुर्गा का पहले से बाय डिफॉल्ट फोटो हम चाह रहे हैं, इसको हटा के जो डाउनलोड की है तो अपलोड एक ऑप्शन रहता है नीचे में, उस पर क्लिक करेंगे तो अपलोड ऑप्शन आएगा और आपके गैलरी में ले जाएगा और उस सारे इमेज पे टिक कर लेंगे और ऊपर में सेलेक्ट रहेगा, क्लिक कर देंगे, इस अपलोड सेक्शन में ना सारे इमेज अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद में एक एक इमेज पे आप बैनर बनाना शुरू करेंगे, वो कैसे इसको देखिए। यहाँ पे एक इमेज को हम क्लिक कर लिए, यहाँ पे ले लिए, आप पहले वाले माता का जो फोटो है उसको हम डिलीट कर लेते हैं और बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड भी है उसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। इनको ले जाके वहां पे हम इस फोटो को वहां पे रखते हैं, फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे, आप अपना फोटो ले लेंगे और यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड के लिए ना मैजिक स्टूडियो का एक ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे और ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। यहाँ पे एडजस्टमेंट पे क्लिक करके आप अपने फोटो को एडिट कर सकते हैं, अच्छा लुक दे सकते हैं, लाइटिंग वगैरह सब कुछ सेटअप कर सकते हैं, ब्राइटनेस, हाइलाइट, शेडो, व्हाइट्स, ब्लैक्स, ये सब जितने सेचुरेशंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे दे सकते हैं। फाइनली उसके बाद में इसको कट करेंगे, यहाँ पे अब हम आ जाएंगे एलिमेंट, एक ऑप्शन है उस पर एलिमेंट से बहुत कुछ आप लगा सकते हैं। एलिमेंट पे क्लिक किए, कोई एक डिजाइन हम सर्च करके इस डिजाइन को लेके यहाँ पे डेकोरेट कर पाएंगे और भी कई एक चीज़ को हम एलिमेंट से ले पाएंगे, लेयर बाय लेयर करके इसको हम सेटअप भी कर सकते हैं। एलिमेंट में फिर आके हम सर्च करेंगे डेकोरेशन, तो कई एक सारे डेकोरेशन हैं, इसको भी हम सेटअप कर सकते हैं। मतलब एक एलिमेंट में ना आप कई एक चीज़ को ले सकते हैं जैसा आप सोचेंगे, जो चीज़ सर्च करके। यहाँ पे मान लीजिए एलिमेंट में ही आके हमको यहाँ पे एक डेकोरेशन मिल गया, ऐसे करके ये जो बॉर्डर है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर करके ये सारे को लगा के एडजस्ट कर लेंगे, लेयर में जाके जो ऊपर है उसको नीचे कर देंगे, ये सारे ऑप्शन इसमें हैं। फाइनली उसके बाद में फिर एलिमेंट में जाएंगे, यानी सारे कंप्लीट एक एलिमेंट। यहाँ पे एक बोनस पॉइंट है ना, बहुत कुछ देता है, और यहाँ पे जो हैप्पी लिखा हुआ है इसमें कलर ग्रेडिंग वगैरह कर देंगे टेक्स्ट को। अब चलिए यहाँ पे फिर एलिमेंट में आए, यहाँ पे हम सर्च करेंगे नेम बैकग्राउंड, ओके जो आपका नेम रहता है उसके बैकग्राउंड का कुछ प्लेट वगैरह देखते मिलता है कि नहीं। ये देखिए ढेर सारा मिल गया, इसमें से सिंपली जो भी पसंद है उसको हम ले लेते हैं और इसमें अपना नेम लिखने के लिए पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक किए, नीचे टीक था और अपना नेम इस पे लिख लेंगे, जैसे हम राहुल रंजन, ये कलर वगैरह भी इसका चेंज कर सकते हैं, इसको ले आके यहाँ पे कलर रेड ये कर दिए और एडिट में जाके इसका इफेक्ट दे दिए, ये कंप्लीट बैनर हो गया। कितना समय लगा, आसानी से एक बढ़िया बैनर हो गया। डाउनलोड करने के लिए क्या, यहाँ पे देखिए ऊपर में जो एरो है डाउन की तरफ जो दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, एक क्लिक मात्र से आपका बैनर यहाँ पे आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा।
यहाँ पे फिर बैक आए, फिर डिजाइन में आ गए, कोई नया डिजाइन वैसे ही सेम लिए, ये डिजाइन अच्छा लगा, फिर इस पर फोटो लिए, फोटो का बैकग्राउंड रिमूव किया, वैसे ही सब कुछ एडिट किए, नेम वगैरह अगर लेना है तो कोई यहाँ पे सब कुछ हम यहाँ पे एडिट कर लेते हैं, कोई भी नेम लेना है तो नेम बैकग्राउंड ले लेते हैं सेम जैसे मैंने लिया था, यहाँ पे अपना नेम वगैरह ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा, एक कमाल होने वाला है इस बैनर में, यहाँ पे नाम को मैंने लिख दिया। अब देखिए दोस्तों इसका एडवांटेज, मैं जिस डेट बाय डेट का यदि माता का फोटो लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे लेके गया ऊपर में माता का फोटो चेंज। चलिए फिर अपलोड पे गए, जो मैंने दूसरा अपलोड किया था सेकेंड डे वाले माता का, ये भी चेंज। थर्ड डे वाले जो माता हैं उनका फोटो, ये भी चेंज हो गए। चलिए फिर अपलोड पे गए, फोर्थ डे वाले माता का फोटो केवल ले जाकर स्क्रॉल किए उनके पास में, चेंज हो गए। फिफ्थ डे वाले माता का फोटो केवल ले जाकर वहाँ पर स्क्रॉल किए, ये भी चेंज हो गया। ये क्या हुआ कि यहाँ पर एक फ्रेम है, इस फ्रेम में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, बढ़िया से जो सेटिंग हो जाता है। अब यहाँ पे इसको भी डाउनलोड करना है, तीर पे क्लिक करेंगे, ये भी थोड़ा सा वक्त लेगा और ये भी आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। और ये देख सकते हैं मैंने जो बैनर बनाया था वो गैलरी में कुछ ऐसा दिख रहा है, ये दोनों बैनर ऐसा गैलरी में आके सेव हो चुका है। यहाँ पे बहुत ही आसान इंटरफेस है कैनवा से बैनर बनाना, एलिमेंट इतना सारा दे दिया रहता है, जैसा चाहेंगे वैसा बैनर बना लेंगे। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होता है, 49 रुपये में पूरे एक साल के लिए अनलिमिटेड फ्री कर देंगे, आप एक साल के लिए कैसा भी डिजाइन बना पाएंगे।